अब ये जानते हैं कि तिलक लगाने के नियम क्या हैं, तिलक कैसे लगाया जाए। देखिए, बिना स्नान किए हुए तिलक मत लगाइए, यानी सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके तैयार हो करके पूजा करिए और पूजा करने में शुरुआत करिए तिलक लगाने से। पहले तिलक अपने इष्ट देव या भगवान को लगाइए। मान लिया आप नारायण की उपासना करते हैं, भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, तो पहले तिलक लगाएंगे भगवान कृष्ण को या नारायण को और फिर स्वयं को लगाएंगे, फिर अपने को तिलक लगाएंगे। सामान्यतः अपने को अनामिका अंगुली से तिलक लगाते हैं, जो तीसरी उंगली है आपके हाथ की, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, अपने आप को इस उंगली से तिलक लगाते हैं। और दूसरे को जब लगाते हैं तो अंगूठे से तिलक लगाया जाता है। तिलक लगाकर कभी भी नहीं सोना चाहिए, ये नियम याद रखिएगा, क्योंकि जो आज्ञा चक्र है अगर ये एक्टिव रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगी। आप जब सोते हैं तो आपके शरीर में, आपके दिमाग में विशेष तरह के केमिकल्स आते हैं जिसकी वजह से आपको नींद आती है। अगर आप तिलक लगाएंगे तो आपका आज्ञा चक्र गर्म होगा, आपका आज्ञा चक्र ताकतवर होगा। ऐसी दशा में जो केमिकल का सिक्रीशन है वो उतना बढ़िया नहीं होगा, इसलिए तिलक लगाकर सोएंगे तो नींद नहीं आएगी या नींद में डिस्टर्बेंसेस पैदा होंगे। इसलिए तिलक लगाकर कभी भी मत सोइएगा। अब ये जानते हैं कि किस तरह के तिलक से किस तरह का फायदा होता है। अगर आप चंदन का तिलक लगाते हैं, श्वेत चंदन का, चंदन दो होते हैं, एक लाल चंदन और एक सफेद चंदन, अगर आप सफेद चंदन का तिलक लगाते हैं अपने मस्तक पर तो इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। रोली और कुमकुम का तिलक अगर आप लगाते हैं तो इससे आपका आकर्षण बढ़ता है और आपका आलस्य दूर होता है। लाल रंग का तिलक यानी रोली या कुमकुम का तिलक अगर आप लगाएंगे तो इससे आपका आकर्षण बढ़ेगा और आपका आलस्य दूर होगा। केसर का तिलक अगर आप लगाते हैं तो इससे आपका यश बढ़ता है, नाम और यश बढ़ता है, और जो रुके हुए काम हैं आपके वो निश्चित रूप से पूरे होते हैं। गोरोचन का अगर तिलक लगाते हैं तो इससे विजय की प्राप्ति होती है। गोरोचन एक पदार्थ है जिसका संबंध गाय से होता है, और अगर गोरोचन का तिलक आप लगाते हैं तो इससे निश्चित रूप से आपको विजय की प्राप्ति होती है। अष्टगंध का तिलक लगाने से विद्या या बुद्धि की प्राप्ति होती है। अष्टगंध के तिलक में तमाम तरह की चीजें मिली हुई होती हैं और उसकी सुगंध बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी सुंदर होती है। अगर आप अष्टगंध का तिलक लगाते हैं तो इससे विद्या और बुद्धि की प्राप्ति आपको आसानी से हो जाती है। भस्म या राख का तिलक अगर आप लगाते हैं तो दुर्घटनाओं से और मुकदमेबाजी से रक्षा होती है। वैसे जो शिव के मानने वाले हैं, भगवान शिव को मानते हैं, वो भस्म का तिलक लगाते हैं या राख का तिलक लगाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि अगर आप भस्म का या राख का तिलक लगाएंगे तो आपके आयु की रक्षा होगी और दुर्घटनाओं से, मुकदमेबाजी से भी आपकी रक्षा होगी। किसी भी तरह की बुरी दशा चल रही हो, जो मारक हो या जिसकी वजह से जीवन जाने का संकट हो, तो ऐसी दशा में भगवान शिव की पूजा करके भस्म का या राख का तिलक लगाना चाहिए। अब ये जानते हैं कि किस ग्रह को मजबूत करने के लिए कौन सा तिलक लगाना चाहिए। अगर आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो लाल चंदन का तिलक अनामिका अंगुली से लगाएं, जो तीसरी उंगली है, रिंग फिंगर है, इसको लाल चंदन में डुबा करके अपने मस्तक पर तिलक लगाएं, सूर्य इससे मजबूत होगा। चंद्रमा को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो सफेद चंदन का तिलक लगाएं कनिष्ठिका अंगुली से। ये एक विशेष प्रयोग है, याद रखिए, सामान्यतः कनिष्ठिका अंगुली से तिलक नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर आप चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो सफेद चंदन का तिलक कनिष्ठिका अंगुली से अपने मस्तक पर लगाएं रोज सुबह के समय में।
मंगल को मजबूत करना चाहते हैं, साहस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, सर में भारीपन बना रहता है, गैस की ट्रबल है आपको, ऐसी दशा में नारंगी सिंदूर का तिलक अनामिका अंगुली से लगाएं। नारंगी सिंदूर जरा सा ले लें और उसका तिलक अनामिका अंगुली से अपने मस्तक पर लगाएं। बुध को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो अष्टगंध का तिलक लगाएं कनिष्ठा अंगुली से। अष्टगंध का तिलक कनिष्ठिका अंगुली से अगर आप लगाते हैं तो इससे आपका बुध प्रबल होगा, बुध आपका मजबूत होगा। अगर आप बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं तो केसर का तिलक लगाएंगे तर्जनी अंगुली से, इंडेक्स फिंगर से। तर्जनी अंगुली से तिलक लगाएंगे केसर का तो इससे आपका बृहस्पति प्रबल होगा, इससे आपका बृहस्पति मजबूत होगा। शुक्र के लिए रोली अक्षत लगाएं अनामिका अंगुली से, पहले रोली लगाएं उसके बाद जरा सा अक्षत भी उस तिलक के ऊपर लगा दें। ऐसा करने से शुक्र आपका प्रबल होगा, शुक्र आपका मजबूत होगा। शनि राहु या केतु के लिए कंडे या धूप बत्ती की राख से, कंडे की राख हो या धूप बत्ती की राख हो उसमें तीन अंगुलियां ऐसे रगड़ करके त्रिपुंड लगाएं शनि राहु और केतु की समस्या को दूर करने के लिए। यह बहुत लाभकारी होगा, बहुत फायदेमंद होगा। तिलक लगाने से एकाग्रता बढ़ती है, आपका मन शांत होता है, आप ज्यादा गहरा ध्यान कर पाते हैं, आप ज्यादा गहरी पूजा कर पाते हैं। लेकिन इसके अलावा तिलक लगाने से आकर्षण भी बढ़ता है। तो आकर्षण के लिए तिलक कैसे बनाया जाएगा? तांबे के पात्र में एक तांबे की कटोरी ले लें छोटी सी, उसमें थोड़ी सी रोली ले, थोड़ी सी रोली उसमें ले लें, इसमें जरा सा गुलाब जल मिलाएं और इसके बाद इसको घोल लें, इसका पेस्ट बना लें। पहले इसको श्री कृष्ण जी को तिलक लगाएं और फिर स्वयं को तिलक लगा लें। इस तिलक को लगा करके मांस मदिरा का सेवन मत करिएगा। ये तिलक लगा करके आप किसी भी काम के लिए जाएंगे, आपका आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपकी बात सुनेंगे। आपको अपनी बात कहीं कहनी है या अपना प्रभाव पैदा करना है तो इस तरह का तिलक लगा करके जाने से आपकी बात मजबूत होगी, आपका प्रभाव प्रबल होगा। विजय और शक्ति के लिए कैसे तिलक बनाएंगे? लाल चंदन अच्छी तरह से घिस लें, इसको चांदी के या शीशे की कटोरी में रख लें, इसको मां दुर्गा के सामने रख करके पहले आप एक मंत्र जपेंगे 27 बार, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का 27 बार जप करेंगे। अब इस चंदन को देवी के चरणों में लगाएंगे और इसके बाद इसी लाल चंदन को अपने माथे पर गोल गोल लगाएंगे और अपनी बाहों पर भी गोल गोल लगाएंगे। ऐसा करने से जिस भी कार्य के लिए आप जाएंगे उस कार्य में आपको विजय और सफलता की प्राप्ति निश्चित रूप से हो सकेगी, निश्चित रूप से प्राप्त होगी।